ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर से सीधे आपको रूबरू करवा दे, बता दे आपको सेंसेक्स में भारी गिरावट दर्ज की गई है, साथ ही साथ निफ्टी भी 800 अंक लुढ़का है। यहाँ पर बड़ी खबर से फिलहाल रूबरू करवा रहे हैं। शेयर बाजार में 1500 अंकों की गिरावट फिलहाल दर्ज की गई है, निफ्टी में 800 अंकों की गिरावट है। दरअसल कोरोना वायरस और यस बैंक की वजह से शेयर बाजार में सुस्ती देखने को मिल रही है और बड़ी गिरावट दर्ज की गई है सेंसेक्स और निफ्टी में। तो बाजार त्योहार से पहले बुरी तरीके से लुढ़क गया है, कोरोना वायरस का जो कहर है और साथ ही साथ यस बैंक की वजह से शेयर बाजार में भयंकर सुस्ती यहां पर देखने को मिल रही है। अगर हम देखें यस बैंक की अगर बात करें तो कुछ दिन पहले यस बैंक के भी शेयर्स गिरे थे, 25 से 50% तक उनके शेयर गिरे थे। और अब जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि कोरोना वायरस के कहर के चलते और साथ ही साथ यस बैंक के पूरे प्रकरण के चलते सेंसेक्स में भारी गिरावट दर्ज की गई है, 1500 अंकों की गिरावट। हमारे सहयोगी विशेष संवाददाता ललित नारायण कांडपाल हमसे जुड़ चुके हैं। ललित, यहां पर सेंसेक्स में भारी गिरावट दर्ज की गई है, कोरोना वायरस और यस बैंक का कहर टूट पड़ा है सेंसेक्स पर और निफ्टी पर। जी बिल्कुल, देखिए सेंसेक्स में लगातार पिछले 2-3 दिनों से गिरावट दर्ज की जा रही है। जिस दिन यस बैंक का मामला खुलकर सामने आया था उस दिन भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी और आज भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो SBI ने भले ही जो रिवाइवल प्लान के लिए बात कही है और जो इन्वेस्ट करने की बात कही है, बावजूद उसके जिस तरह की स्थिति हमको दिख रही है उससे लगता नहीं है कि जो स्थिति है वो सामान्य होती हुई फिलहाल नजर आ रही है। जो मार्केट का ट्रस्ट है, मार्केट का जो सेंटिमेंट है, वो इस पूरे यस बैंक की जो स्थिति निकल कर सामने आई है उसमें बहुत बड़ा सेटबैक जो कस्टमर है उसके सेंटिमेंट को दिया है। तो आप देखिए कितनी जल्दी जो है ये सेंटिमेंट को सरकार हालांकि रिकवर करने की तो कोशिश कर रही है, खुद वित्त मंत्री भी सामने आई थी इस पूरी बात को लेकर, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और नतीजा ये हुआ कि जो अभी भी सेंसेक्स में जिस तरह से गिरावट दर्ज की जा रही है वो ये बता रहा है कि सरकार को अभी कुछ और ऐसा करने की जरूरत है जिससे कि इसकी रिवाइवल के लिए बेहतर तरीके से काम किया जा सके। लेते यहाँ पर 2-3 दिन पहले की आप बात कर रहे हैं और जो गिरावट का सिलसिला था वो यस बैंक के शेयर से शुरू हुआ था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 25 से लेकर 50% तक यस बैंक के ही शेयर गिरे थे। जी बिल्कुल, देखिए यस बैंक में जिस तरह से अनियमितताएं हुई हैं उसके बाद उसके शेयर गिरना तो बहुत स्वाभाविक बात ही थी। बिल्कुल, क्योंकि उस पर से एक तरह से अपने आप में लोगों का ट्रस्ट काफी कम हो गया था। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से सरकार अचानक SBI इस पूरे मामले में जिस तरह से आगे आया उसके बाद ये उम्मीद लग रही थी कि लोगों में एक विश्वास कायम होगा कि जो कुछ हुआ वो हुआ, अब लेकिन सरकार साथ में खड़ी है और जो कस्टमर है उसके हितों को अनदेखा नहीं किया जाएगा। लेकिन बावजूद उसके अभी भी लगातार सेंसेक्स का गिरना ही अपने आप में चिंता का विषय है और ये बताता है कि कहीं ना कहीं ऐसी कोई चीज हो रही है जो ट्रस्ट को वापस नहीं ला रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी से रूबरू करवाने के लिए ललित।